ये आज का एक दिन का ये इवेंट एक्सिस बैंक फाउंडेशन की ओर से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, क्योंकि एक्सिस बैंक फाउंडेशन की जानिब से एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है जिसका नाम है सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट हिमोथन सोसाइटी और LNP के पार्टनरशिप कोलेब्रेशन में लद्दाख में इम्प्लीमेंट किया जाएगा और ये ले और करगिल डिस्ट्रिक्ट दोनों में मिला के कुछ 60 गांव और कुछ 7,000 पॉपुलेशन को कवर करेगा। तो ये प्रोग्राम 5 साल के लिए चलेगा, क्योंकि ये 2020 मार्च 2024 से लेकर अप्रैल 2029 तक इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो यही इसका मकसद है कि आज के इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए एक्सिस बैंक फाउंडेशन की ओर से वाइस प्रेसिडेंट श्री अभिनव सेन साहब यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, इनके साथ इनका सीनियर प्रोग्राम मैनेजर मिस ईशा जी भी आए हैं। तो आज की इस प्रोग्राम जो है ना DC साहब के चीफ गेस्ट में शुरू हुआ, तो बेसिकली ये जो जितना भी डिपार्टमेंट से ले हमारे यहाँ खासकर इस प्रोजेक्ट में फार्म बेस्ड लाइवलीहुड और नॉन फार्म बेस्ड लाइवलीहुड के ऊपर फोकस किया जा रहा है। फार्म बेस्ड लाइवलीहुड में खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर, जो हॉर्टिकल्चर, लाइफ स्टॉक और एनिमल हस्बेंड्री के डिपार्टमेंट ने यहाँ पर शिरकत की। तो बेसिकली एक कोलेबोरेशन पार्टनरशिप को प्रमोट करने का, जो आने वाले सालों में जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जाएगा एक कोलेबोरेशन मोड पे प्रोग्राम को चलाया जाएगा। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ऐसे अभी हम पैनल डिस्कशन में काफ़ी मतलब इसके ऊपर चर्चा किया, खासकर ट्रेडिशनल जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जैसे छुरपन है, छुरेस है, उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, ये सब इस प्रोग्राम में इंक्लूड है। इसके अलावा खासकर ये वाला प्रोग्राम खासकर वाटर्स जो स्कार्सिटी जो हमारे गाँव में खासकर प्रॉब्लम्स वाटर स्कार्सिटी का प्रॉब्लम्स है उसको भी एड्रेस करने का इसमें पॉसिबल ऑप्शंस है। इसके अलावा साथ ही साथ जो फार्म बेस में जो हमारे ट्रेडिशनल क्रॉप्स है, बार्ले है, पीस है, या उसके ऊपर भी प्रोडक्शन से लेकर इसका वैल्यू एडिशन से लेकर इसको मार्केटिंग किस तरह से करेंगे इसके ऊपर भी इस प्रोग्राम में इंक्लूडेड है। जैसे कि सर DC सर ने कहा था कि पूरे अलग स्टेक होल्डर या डिपार्टमेंट से भी मिलकर जो प्रॉब्लम्स इश्यूज है वो भी डिस्कस करेंगे। जी, खासकर ये अब इसके बाद जो लाइन डिपार्टमेंट है खासकर एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, एनिमल हस्बेंड्री और हॉर्टिकल्चर के साथ, हमने पहले भी इनके साथ बार बार मीटिंग वगैरह ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि जो प्रोग्राम चलाना है इनके साथ ही चलाना है, तो ज़्यादातर एक्सपर्टीज़ जो इनके पास है। तो ये जो DC साहब ने बोला ये कोलेब्रेशन में, पार्टनरशिप में, आपस में सहयोग करके चलाना है, इसके ऊपर प्रोजेक्ट में ही इनबिल्ट है। बिकॉज लाइवलीहुड में काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली लद्दाख जैसे एरियाज में, और सस्टेनेबल लाइवलीहुड को लेके जो इनिशिएटिव यहाँ पे वो ले रहे हैं उसको मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा। और जिस तरह से स्टार्टिंग में ब्रीफ किया गया था कि ऑलमोस्ट 60 विलेजेस एंड 7,000 हाउस होल्ड्स यहाँ पे कवर किए जाएंगे नेक्स्ट 5 ईयर्स के प्लान में अप टू 2029, तो ये बहुत ही अप्रिशिएबल इनिशिएटिव है। मुझे याद है जब एक्सिस बैंक मेरे पास आते तो मैं बार बार उनको रिक्वेस्ट करता था कि CSR एक्टिविटीज़ लद्दाख में की जाए, तब हम बैंकिंग बिजनेस कुछ देंगे गवर्नमेंट की तरफ से। तो उसके लिए भी मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आपने मेरा वर्ड रखा और यहाँ पे शुरू किया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ लाइवलीहुड के बारे में LNP के हमारे चतुर्क साहब ने बताया है यहाँ पे। लाइवलीहुड लद्दाख में क्यों ज़रूरी है? अभी हम सारे लोग बोलते हैं कि टूरिज्म डिपेंडेंट हमारी इकोनॉमी यहाँ पे चलती है, बट मेजरमेंट तो हमने किया नहीं। हमारा GDP स्टेट GDP वाला काम चल रहा है तो उसमें पता चल जाएगा कितना परसेंटेज टूरिज्म यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन अगर ओवरऑल सिनेरियो में देखा जाए 3-4 सेक्टर्स जो है यहाँ पे लाइवलीहुड प्रोवाइड करते हैं लद्दाख में। टूरिज्म बेसिक हो गया हमारा, होम स्टेज हो गया, होटल्स हो गए, टूर ऑपरेटर्स, टैक्सी या ट्रांसपोर्ट वाले, जो हमारा 6-8 महीने का सीजन चलता है मेन वाला। उसके बाद मेन एम्प्लॉयमेंट हमें BRO से, आर्मी से मिलता है यहाँ पे, जो रूरल एरियाज में काम होते हैं, सड़कें हो गई हमारी, बाकी सारे कंस्ट्रक्शन वर्क्स में गवर्नमेंट एक मेजर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है लद्दाख में। और उसके बाद में हमारा एग्रीकल्चर है, अलाइड एक्टिविटीज़ आता है, तो अगर चांगथांग बेल्ट हम देख ले वहाँ पे तो एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री का मेन रोल है।
शाम साइड में देख ले, तुरतुक साइड में देख ले, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स या हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स का मेन रोल है। तो जिस तरह से प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया गया है, स्पेशली एप्रिकॉट पे फोकस, एप्रिकॉट को फोकस में रखते हुए, एग्रीकल्चर को फोकस में रखते हुए, वो यहाँ की लोकल इकोनॉमी, लोकल ज्योग्राफी, क्लाइमेटिक कंडीशन उसको देख के रखा हुआ है, तो वो भी बहुत अच्छा है कि जिसमें आप प्रोग्रेस करोगे, जिसमें हम काम कर पाएंगे। लद्दाख में पिछले 3-4 साल से जब से यूटी बनी है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ पे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस रहा है। आपने देखा होगा कि लद्दाख ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट्स जो कि काफ़ी सक्सेसफुली चल रहा है यहाँ पे, ऑलमोस्ट 2000+ हमने ग्रीन हाउसेस डिस्ट्रीब्यूट किए हुए सब्सिडी में, 75% सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, और उससे लोकल प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। उसके साथ साथ चांगथांग डेवलपमेंट पैकेज हो जो कि ईस्टर्न लद्दाख को कैटर करता है, और उसके बाद में हमारा मिल्क प्रोडक्शन को लेके हो, इम्प्रूवमेंट ऑफ ब्रीड्स को लेके हो, हॉर्टिकल्चर को लेके हो, स्पेशली जैसे कि जब यूटी बनने से पहले लद्दाख का एप्रिकॉट, फ्रेश एप्रिकॉट कभी एक्सपोर्ट नहीं होता था, तो वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया। तो इन सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा फोकस है, और फोकस वे में हम चाहते हैं कि इसमें काम हो। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा पानी का समस्या 8 साल बढ़ते जा रहा है। तो अभी देखो ना, हम इंसान पानी नहीं बना सकते, लेकिन मैं कहता हूँ इतना इस वक्त हमारे पास जितने रिसोर्स अवेलेबल है उसको कैसे जुडिशियली हम यूज करें, इसके लिए सबों का ध्यान देना बहुत जरूरी समझते हैं। अभी देखें ना, एक तो हमारा यार विंटर काफ़ी लंबा होता है, विंटर में जून जो हर विंटर वी कैन ग्रो एनी क्रॉप, तो क्या होता है वहाँ पर जितने पानी होता है वो सब बह जाता है, तो उसको कैसे हम कंजर्व करें, कंजर्व पानी कंजर्व करने का बहुत सारे इसमें मेथड्स होते हैं। एक तो हो गया है कंजर्व इन फॉर्म ऑफ आइस, आर्टिफिशियल ग्लेस से करना, और दूसरे हम इसके मैं कहता हूँ जितने भी हमारा गाँव है, गाँव के ऊपर हम बड़े बड़े वाटर रिजर्व बनाए, फर्टिलाइजर टैंक बनाए इन सीरीज, तो उसे क्या होता है कभी कभी समर में भी काफ़ी पानी आ जाए, तो जो ज़्यादा एक्सेसरे पूरा पानी हम यूज नहीं कर पाते, बाकी लेस हो जाएगा, उसको कंजर्व करने के लिए हमें ऐसे बड़े वाटर हार्वेस्टिंग कंसर्व करने के लिए बहुत जरूरी है। उसे क्या होता है, एक तो हमारा ये वेस्ट वाटर को सेफ हो जाएगा, और दूसरा ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा। अभी आप देखें लेट लॉन्ग एरियर से लेके सब बड़े बड़े होटल और ये क्या ऐसा रूम ये सब बनाते हैं, और उसका ये तभी चल सकता है जब 24 आवर्स उनके पास पानी अवेलेबल हो। अब क्या होता है उसके लिए तो उन्होंने सबने ग्राउंड वाटर टैंक हो लिए हैं, ग्राउंड वाटर आप ठीक है, ग्राउंड वाटर तो आप पानी ऊपर से नीचे अगर नीचे तो इंजन से खत्म ना नहीं जाएगा, तो ये क्या होता है अब इसका रिचार्जिंग सोर्स के लिए कोई नहीं सोचते हैं, ये सबसे जरूरी है कैसे हम इसको रिचार्ज करें। अब ये अगर हम ऊपर ये हम कहते हैं ना चाहते पानी को रुकना सीखो, तो इसको कैसे हम पानी को रुक के हम एक तो हम लोग कंट्रोल ये क्या कहते हैं हम जो बड़े बड़े टैंक बनेगा वो तो समर और विंटर दोनों में कम करेगा, विंटर में ये यूनिफॉर्म ऑफ आइस वो कम करेगा, और समर में जो एक्सेस पानी आएगा वो हम उसको कर सकते हैं, उसे घर और रिचर करने के खुद और उसे हम ग्लेशियर बना दें, ये बहुत सिंपल टेक्निक है। तो यहाँ अभी देखा ना मैं कहता हूँ अगर एक पर्टिकुलर स्कीम में एक पानी का रिश्वत हो तो 4 मंथ इन 4 मंथ भी मतलब हम 1 मिलियन क्यूबिक फीट हम आइस बना सकते हैं, तो उससे क्या होता है इस ये आर्टिफिशियल ग्लेशियर ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग के लिए बहुत जरूरी वो जरिया है। इसे क्या होता है इसमें 2 लॉसेस होते हैं, एक तो ग्राउंड सीपेज लॉसेज है, एक इवेपोरेशन लॉसेज है। इसमें ग्राउंड सीपेज लॉसेज होना वो 30 के करीब हो जाता है, वो हम लॉसेज नहीं मानेंगे, ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं। जहाँ जहाँ हम आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाते हैं वहाँ के जो नियर बाय स्प्रिंग्स है वो रिजनरेट हो जाते हैं। तो ये है मैं कहता हूँ जितना इस वक्त हमारे पास सोर्स अवेलेबल है उसको कैसे हम
ये क्या कहते हैं जुडिशियल यूज करें इसके लिए सोना समूह का ये कम है। एक आदमी से सोने से नहीं होगा ये, जब तक समूह में ये समझ नहीं आएंगे तब तक ये काम नहीं होगा। थैंक यू।